गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, नमस्कार, कैसे हैं आप? वो तो आपकी आवाज से और आपके जोश से लग रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, इतने प्यार का, मोहब्बत का और जोरदार तालियों का बहुत बहुत धन्यवाद, मैनी मैनी थैंक्स। दोस्तों, यही एक कारण है जिसके चक्कर में आदमी इस बिजनेस में सेलिब्रिटी बनने के चक्कर में रहता है कि भाई डायमंड नहीं बना तो बेकार है इस बिजनेस में, आई एम राइट? क्योंकि किसी ने सच बोला है कि बच्चा मरता है हक के लिए और आदमी मरता है सम्मान के लिए, आई एम राइट? तो दोस्तों, आज बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तेजी से लोग आगे बढ़ रहे हैं। पर दोस्तों, मैं आज आपको जरूर बताना चाहूंगा थोड़ा सा मेरे बारे में और बैकग्राउंड के बारे में, मेरे जन्म कहां से हुआ, जानना चाहेंगे आप लोग? मेरा जन्म आज से करीब 12 साल पहले 2017 15 जनवरी 2005 में मेरा जन्म हुआ इस बिजनेस में। दोस्तों, आप भी की तरह मुझे फंक्शन में बुलाया गया, जैसे आज लोग आप एक सेलिब्रेशन में बैठे हैं। 15 जनवरी 2005 मेरी जिंदगी का सबसे ऐतिहासिक दिन था, सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि उस दिन मैंने देखा बहुत सारे लोगों को यहां आते हुए। एक आदमी को यहां रिकॉग्नाइज जब हो रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे और मेरी मुट्ठी बोल रही थी, मैं भी। एक एक करके जब बुलाया जा रहा था, कभी कोई आ रहा था एमराल्ड, फिर गोल्ड, गोल्ड से चालू हुआ गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, डायमंड, और डायमंड जाते जाते तो जब रिकॉग्निशन की बारी आई ना, सच बता रहा हूं मैं एकदम, मेरा खून चेक कराते तो पता नहीं कौन सा चेकअप होता। और मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा दोस्तों, बधाई हो, आज आपको भी वही देखने का मौका है, अपनी आंखों पर, अपने कानों पर और अपने पांचों इंद्रियों पर विश्वास करने का मौका है, बधाई हो आपको। आप भी चौधरी साहब की तरह जिंदगी बदल सकते हैं, माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, वो दिन है और आज का दिन है, वो दिन है और आज का दिन है। ना तो टिकेन सिंह चौधरी ने मुड़ के देखा, ना ये सोचा कि चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों मैं एक ही बात जानता हूं, जैसी संगत, जोर से बोलो, जैसी संगत वैसी रंगा। दोस्तों, अगर कोई कहता है कि टिकेन सिंह चौधरी अपनी वजह से बना है, तो मैं उसको बोलना चाहूंगा, नो, मैं मेरी वजह से नहीं बना। जानना चाहेंगे किसकी वजह से बना हूं प्लीज? दोस्तों, मैं बना हूं संगत की वजह से। कल जब हमारी बातें चल रही थी गुरुजी के साथ, महागुरुजी के साथ, तो बोले थे टिकेन सिंह चौधरी कम उम्र में आपको मैच्योरिटी बहुत है। मैंने बोला हमको कोई मैच्योरिटी नहीं थी, हम भी उंगली करते थे, ये सब आपकी संगत का नतीजा है। हेलो, तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, मेरा जो अचीवमेंट जाता है वो जाता है सेफ शॉप के लिए, वो जाता है सिस्टम के लिए, और वो जाता है हमारे अल्टीमेट्स के दोनों मेंटर्स के लिए, मिस्टर सुनहरी लाल, मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी के लिए जोरदार ताले। आप सब लोगों ने कहावत सुनी है, जैसी संगत, पर मान कितने लेते हैं? सुनने से नहीं चलता भाई साहब, जानने से नहीं चलता साहब। हेलो, किससे चलता है? करने से, करने से। आई एम राइट या रॉन्ग? बस दोस्तों, मेरे को वो बात पता चली, मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, थैंक्स माय कंपनी, माय सिस्टम और मेरे मेंटर्स, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और मेरे मेंटर्स के लिए जोरदार ताली, सारे एलओसी लाइफ और स्पॉन्सर के लिए। और दोस्तों, यहां से मुझे मिला जोश, यहां से मुझे मिला जुनून, क्योंकि बिजनेस दोस्तों उन लोगों का नहीं है जो खाली आते हैं और ज्वाइन करते हैं और डीडी देते हैं और सोचता है चलेगा, चलेगा, चलता नहीं है भाई साहब, इसको चलाने के लिए कुछ करना पड़ता है। एक कहानी के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूंगा, समझना चाहेंगे आप? एक बार क्या हुआ, एक बांसुरी, आप मेला में गए, कितने लोग मेला में गए? मेला में जाते हैं आप? मेला में हम सारे लोग जानते हैं, और बांसुरी बजाने वाले और कई लोग वहां कई चीजें बेचते हैं, आई एम राइट? और इतना बढ़िया डिस्प्ले करते हैं कि आदमी का मन ही आ जाता है मैं भी ले लूं, ये सुनो। तो एक बांसुरी वाला एक बांसुरी बेच रहा था, इतना बढ़िया डिस्प्ले किया कि एक आम आदमी ने, ये लाइट, वो एक आदमी देखता है उसके डिस्प्ले को और बांसुरी खरीद लेता है साहब, इतना बढ़िया बांसुरी बजाता है कि लोगों को मजा आ जाता है, बोला मेरे को भी दे दे। और वो जब घर पहुंचता है लेके और बजाने की कोशिश करता है तो बांसुरी में से आवाज ही नहीं आ रही है, कुछ और ही आवाज आ रही है। हेलो, बांसुरी में से कैसी आवाज आ रही है? वो बांसुरी बजा रहा है, आवाज ही नहीं आ रही। हेलो, जानना चाहेंगे क्यों?
क्योंकि दोस्तों उस बांसुरी को बजाने के लिए उसने सीखा है, उसने प्रैक्टिस की थी, पर ये आम आदमी ने ना तो सीखा ना प्रैक्टिस की, खाली बांसुरी खरीद ली। ऐसे ही बिजनेस के बारे में बोलता हूं दोस्तों, बिजनेस में ज्वाइन होना सफलता की निशानी नहीं है। खाली डीडी दे देना और पैकेज आ जाए, इससे आप बीएमडब्ल्यू तक नहीं पहुंच सकते, इससे आप बड़ी गाड़ी तक नहीं पहुंच सकते। इसके लिए क्या है, जब आप बांसुरी खरीदोगे ना तो उसको बजाना भी सीखो, सुर निकालना सीखो, वरना बांसुरी ही आपको खा जाएगी। और ऐसे बोलोगे साले ने तो लूट लिया। आप मुझे बताओ जल्दी से, जब बांसुरी बजती नहीं है तो बांसुरी वाले को गाली देते हैं कि नहीं? हेलो, और क्या बोलते हैं? ऐसे ही हमारे लोग हैं, कंपनी में जुड़ जुड़ते हैं और डायमंड नहीं बनते, वो बोलते हैं हमें फंसा दिया। हेलो, कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं? कितने लोग पैदल आए हैं पहले ये बताओ, पैदल कितने लोग आए हैं आज पैदल? मतलब यार अपनी कोई बस से पकड़ के आए, पर पैदल तो चल के ही है ना। वेरी गुड। कितने लोगों के पास अपनी खुद का व्हीकल है, व्हीकल है, मोटरसाइकिल है? बताओ, मेरे से सब बढ़िया बैठे हैं। दोस्तों आज से 12.5 साल पहले जब मैं बिस्म आया था, पैदल आया था 11 नंबर की गाड़ी से, आज मुझे बताते हुए खुशी है हॉल के बाहर दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में से एक गाड़ी बाहर खड़ी है, बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज लग्जरी लाइन। अभी टिकेन सिंह चौधरी किस से आया है? बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज लग्जरी लाइन, नॉट ए बीएमडब्ल्यू रे बाबा। हेलो, तुमको कितनों को यह वीडियो अच्छी लगी? दिल पे हाथ रख के बताओ, कितने को खून गर्म हुआ, दिल धड़का? तुम्हारी भी मैडम सोचती होगी कहीं हमारा भी सीन करा ले। हेलो, तुम्हारा भी लड़का सोच रहा है साले पैदा तो कर दिया, कुछ तो करा दे। दोस्तों इस बिजनेस के लिए जोरदार ताली बजवाना चाहता हूं। इस बिजनेस ने मुझे पैसा ही नहीं दोस्तों, इस बिजनेस ने लाइफ स्टाइल दी। बहुत लोग आते हैं और जिंदगी में आते हैं, खाते हैं और निकल लेते हैं। इस बिजनेस के लिए और कंपनी के लिए मैं ताली बजवाना चाहता हूं, सलूट मारना चाहता हूं। अगर ये ना होता तो टिकेन सिंह चौधरी कहीं बेरोजगारी का शिकार होता साहब। हेलो हेलो, क्योंकि दोस्तों आज सबसे ज्यादा युवा किससे जूझ रहे हैं? अब दोस्तों पर मैं धन्यवाद देता हूं हमारे 5 डायरेक्टरों का, हमारे अपलायनों का, हमारे लाइफ स्पॉन्सर, हमारे मेंटर का। इन्होंने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि कोई लड़का आए, किसी भी बैकग्राउंड से आए, पैदल आए और 5 सीरीज तक पहुंच जाए, बीएमडब्ल्यू ओडी तक पहुंच जाए। बड़ी बात है साहब, बताइए क्या क्या बताइए आप, क्या एक बड़ा बड़े बड़े लोग भी ये कर पा रहे हैं? तो ऐसे बिजनेस में दोस्तों आप ज्वाइन कर लिया है, पर ये बिजनेस में एक बात याद रखना, ये बिजनेस मांगता है समर्पण। क्या मांगता है? ये बिजनेस मांगता है निष्ठा। क्या मांगता है जल्दी से बोलो? ये बिजनेस मांगता है कमिटमेंट। और दोस्तों तीनों की तीनों चीज मैंने दी, इस बिजनेस में मैं समर्पित हो गया, मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया साहब। जैसा जैसा मेरे लाइन स्पॉन्सर, मेरे मेंटर बैठे हैं दोनों, जैसा जैसा इन्होंने बोला मैंने वैसे वैसे किया। इन्होंने बोला अगर ये चीनी है और उन्होंने बोला ये नमक है, तो मैंने नहीं बोला ये चीनी है, मैंने बोला नमक ही है साहब, क्योंकि आप बोल रहे हो मैं गलत हूं, आप सही है। आई एम राइट। दोस्तों मैं क्या बताना चाहता हूं, इस बिजनेस में वो लोग फेल होते हैं जब अपलाइन बोलता है, हमारा मेंटर बोलता है बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर ले, वो बोलता है सर ऐसे नहीं ऐसे कर लो। मां कसम सनीचर उधर ही विराजमान हो जाता है, क्योंकि एमएलएम जो बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है, ये जो बिजनेस है, ये उन लोगों का स्वागत नहीं करता जो अपने दिमाग से कमाना चाहते हैं, ये उन लोगों का स्वागत करता है जो सिस्टम के दिमाग से चलना चाहते हैं। ऐसा नहीं था साहब कि टिकेन सिंह चौधरी के पास दिमाग नहीं था, टिकेन सिंह चौधरी के पास दिमाग भी था, क्योंकि मैं कोई फेलियर लड़का नहीं था, टॉपर हूं मैं स्कूल भी। पर मुझे एक बात यहां बताई गई कि चौधरी साहब अपना दिमाग लगाओगे, बाहर चले जाओगे, सिस्टम का लगाओगे, लाखों पाओगे। और मुझे एक बात बताई गई मेरे मेंटर्स ने, मैं ट्रेनिंग में था, कई बार आता था तो हमारे मेंटर्स बैठे हैं यहां दोनों, उन्होंने एक बात बोली थी एक ट्रेनिंग में, देवेंद्र शर्मा जी ने, मेरे बिजनेस गुरु ने, उन्होंने बोला था या तो आप राइट बन सकते हैं या आप रिच बन सकते हैं। हेलो, या तो आप राइट बन सकते हैं या आप रिच बन सकते हैं। इसका मतलब क्या बता दूं, कई लोग राइट बनते हैं कि सर ऐसे नहीं होना चाहिए, सर काम ऐसे होना चाहिए, सर जो आपने खाना खिलाया ना ये ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, सर थोड़ा रसगुल्ला थोड़ा कम था सर।
थोड़ा रसगुल्ला हो जाता ना सर, मजा आ जाता। अरे मैं बोल रहा हूं तेरे को रसगुल्ले से मिलना क्या है, कितने गुल्ले तेरे सामने होंगे जब तुझे 8 लाख आ रहे होंगे। हेलो हेलो दोस्तों, आज मुझे ये आवाज पीछे ही वाली मत चला, मेरी सुन बस। दोस्तों मुझे खुशी है, एक लड़का जो ढाबे पे खाने के पैसे नहीं थे, आज वर्ल्ड की सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी में रुकता है, ताज भाई भवंता। अभी उधर उसी के गद्दों पे अपन तोड़ के आ रहे हैं, बाथरूम में एंजॉय कर खा रहे हैं। मां कसम, जब हम गाड़ी की तरफ जाते तो गाड़ी खोलने वाला बोला वेलकम सर, मैं बोलता पैसे हो गए वसूल। अच्छा एक बार लगाए थे भाई साहब 8,000, अभी तक वसूल हो रहे, कितना बड़ा बिजनेस है। और कई लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस हमें समझ में नहीं आया। अबे बिजनेस कैसे समझ में आएगा, जब शादी होती है तो घर वाली को पूरी जिंदगी नहीं समझ पाता आदमी। बताना मत किसी को ओके। और इस बिजनेस को साहब ये समझना चाहता है कि तुरंत समझाओ, मेरे को समझ में नहीं आया। कितने लोग इस बिजनेस की गहराई को समझना चाहते हैं साहब? ऐसे फंक्शन में आओ, ये स्वागत देखो, तुम्हारी आंखें देख पा रही हैं कि नहीं देख पा रही हैं? आप सोचो जब हमारी मैडम हमारे बच्चे जब आते होंगे क्या फील करते होंगे। बाद में जाके मैडम भी बोलती क्या आइटम तो धांसू मिला है। और सच बताओ कही होगी मैडम, क्या बोलती होगी, कुछ कर ले कुछ कर ले। जब देखे जब आ जाता है मतलब पड़ता है तो हेलो। समझदार को सारा ही काफी श्रीमान, मैं आपको बताने आया हूं। कितने लोग चाहते सर सेल्फ इमेज कमानी पड़ेगी साहब? हेलो आप आए और चले गए दुनिया से और एक आदमी ने आपको रेस्पेक्ट से ना देखा तो आप आए क्यों थे, आए क्यों थे? दोस्तों बिजनेस में पैसा ही नहीं दिया है, अब पैसा तो ऐसे आ रहा है आजकल जैसे बैंगन लेने जाओ डंठल तो फ्री में आते हैं जी भाई साहब। आजकल मैं आपको बता दूं, मैं पैसे पैसे की बात नहीं करता, पैसा बहुत आता है। हेलो पैसा बहुत आ रहा है, पैसे पैसे की अपन बात नहीं करता भाई साहब। जितना महागुरु जो बोले 2 लाख लठ गाड़ का रहा है बांसबली गाड़ का रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो मजा क्या रहा है मजा, क्योंकि सब पैसे के लिए काम नहीं करते। एक जोक सुनाऊं सब? मजा के लिए ज्यादा लोग काम करते हैं, काम तो दूसरे से कराना चाहता आदमी। यस या नो? एक रामू नौकर था, सेठ जी का सारे काम कौन कराते थे? सेठ जी रामू से कराते थे, पानी लाना तो रामू को लाना, चाय लानी है तो रामू को लाना, रिश्तेदार के लाने चाय। रामू एक दिन दिमाग खराब हो गया, रामू बोला सारे सारे काम मेरे से कराते हो? बोला क्यों, तेरे से तो कराऊंगा, खाना रसगुल्ला खाना काम होता तो मुझसे ही कराते। बोला चुप, रसगुल्ला खाना मजा है, बढ़िया खाना खाना मजा है या नहीं है? तो आप मुझे बताओ आप मजा करना चाहेंगे ना? आ जाओ बिजनेस में डायमंड बन जाओ, मजा ही मजा, उसके बाद भाई साहब उसके बाद आनंद ही आनंद। कितने लोग जिंदगी में आनंद लेना चाहते हैं? हमारे ओपी जी बोलते थे महागुरु जी, यहां डायमंड बनने के बाद हर दिन रात ऐसा महसूस होता है आजकल, कसम से सच बता रहा हूं आपको मैं, आजकल ऐसा ही महसूस होता है। ये सुनो दोस्तों, ये बिजनेस में बहुत सारी चीजें मुझे मिली, आज मुझे बताते हो इसने जीवन मूल्य बढ़ा दिए। जो इंसान टीकन सिंह चौधरी किसी की इज्जत नहीं करता था उसको इज्जत करना सिखाया, जो इंसान लोगों को नहीं समझता था उसको लोगों को समझना सिखाया, जिस इंसान को बोलना नहीं आता था उसको बोलना सिखाया। इस बिजनेस से मैं आपको हजारों अचीवमेंट्स बता सकता हूं पैसे की सेवा। जिसके इंसान के घर में और इतिहास में खानदान में आज तक 7 पीढ़ियों में किसी ने सोचा नहीं था विदेश जाएंगे, वो इंसान 2007 में इस बिजनेस से विदेश होकर आता। भाई साहब आप सोचो इस घर में कितनी खुशी होंगी, सोचो आप। जिसके घर में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भाई हम विदेश भी जा सकते हैं, जहाज भी छू सकते हैं पास से, वो इंसान इस बिजनेस की वजह से जहाज की तो साले स्कूटी बना के रखा हुआ, ऐसी की तैसी करके रखा हुआ। लोग बोलते हैं बिजनेस क्यों करना चाहिए, मैं बोलता हूं ये बिजनेस इसलिए करना चाहिए अगर तुझे जिंदगी भर मजा लेना है, बिना सजा के तो डायमंड जरूर बनना है, डबल डायमंड जरूर बनना है। यस चलो, कितने लोग जिंदगी में आनंद लेना चाहते हैं? तो भाई साहब 99% समस्या किससे है? और सेफ शॉप दवा के पैसा देती है? हेलो
तो मैं बस आपको यही बताने आया हूं, आनंद का बिजनेस है, भरपूर मिलता है, पचाने की क्षमता पैदा करनी है बस। हेलो दोस्तों, यही किया मैंने। और एक बात और बताई गई थी इस बिजनेस में, बता दूं, बहुत छोटा सा मैसेज आपकी जिंदगी बदल सकता है, बता दूं। दोस्तों शुरू शुरू में जब हमारा बिजनेस नहीं चल रहा था तो हमें बड़ी दिक्कत होती थी, तो एक बहुत बढ़िया बात हमें बताई गई थी, एक कहानी के माध्यम से समझाई गई थी। जब हम प्लान देते थे और लोग जुड़ते नहीं थे तो हम घबरा जाते थे, घबरा जाते हैं कि नहीं? उसमें एक कहानी सुनाई गई थी हमारे गुरुओं के माध्यम से, सुनना चाहेंगे आप एक मिनट में? कितने लोग पहले बताओ भैंस जानते हैं? भैंस, एक आदला हाथ नहीं खड़ा कर रहा, पता नहीं लंदन से ही है क्या हम लोग, सारे लोग जानते हैं, वेरी गुड। दोस्तों एक बार भैंस के साथ क्या हुआ, 11वां महीना चल रहा था लास्ट पीरियड, और ब्याने वाली थी, अचानक बीमार हो गई। क्या हो गई? बीमार जब हो गई तो डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने इलाज किया, इलाज तुरंत देना था तो इंजेक्शन से काम चल नहीं रहा, तो डॉक्टर ने क्या किया, नली डाली, और नली डालने के थ्रू, पेट के थ्रू जल्दी दवाई पहुंचानी थी, नली को लिया, डाला, और डालने के बाद नली में, नली जानते हैं छोटी वाली पाइप, जानते हैं ना, वो डाला, और डालने के बाद उसमें दवाई डाली, और एक काम बाकी रह गया, सब डालने के बाद नली को पकड़ के फूंक मारना बाकी रह गया। उधर से क्या, डॉक्टर ने नली पकड़ी और फूंक मारने वाला था, फूंक तो मार नहीं पाया, थोड़ा रुक गया, उधर से भैंस ने फूंक मार दी, अब दवाई कौन खा गया? हेलो, दवाई किसके अंदर चली गई? अब बताओ किसका मन करेगा? दोस्तों ऐसे ये बिजनेस है, एक मिनट, मैं मैसेज क्या देना चाहता हूं, ऐसी ये बिजनेस है, हम बनना चाहते हैं डायमंड, हम टीम बनाना चाहते हैं, और जैसे ही हम लोगों के पास जाते हैं नए लाओ, और नया आदमी जब फूंक मारता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी कंपनी चलती नहीं है, एक आटी के अंदर को मिल गई, BMW किसी को नहीं मिलेगी, तेरा कुछ नहीं होगा, तू बर्बाद हो जाएगा, अपने को लगता है। अपना जो मीटिंग में, सेमिनार में जो एंटीना सेट किया, DD1 जैसे गायब हो जाता है कि नहीं? कैसे होता था पहले DD1 गायब? कितने लोगों ने रंगोली देखी है, महाभारत देखा DD1 पे, तो DD1 कैसे होता था जब आंधी आती थी, आजकल आती है कि नहीं? और जब एंटीना हिल जाता था तो D1 पे कुछ और ही आता नहीं लग जाता, जुर्र पिर। हेलो दोस्तों, ऐसे ही हमारे बिजनेस में जैसे ही कोई नेगेटिव आदमी मिलता है और जैसे ही वो डायलॉग मारता है तो हमारे दिमाग में कुछ और ही आने लग जाता है, ये आंखों के विश्वास भी हमारा चले जाता है जो हम हॉल के अंदर लेके जाते हैं। दोस्तों कितने लोग डायमंड जाना चाहते हैं? तो नागिन की तरह दोस्तों ये फोटो खींच के ले जाना, और विश्वास जाने मत देना, क्योंकि आज आपके सामने बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, सुबह से हो रही है कि नहीं हो रही है? एक के बाद एक आदमी आ रहा है, विक्रम आया, बताओ, फिर जो वो आया हमारा हमारा NP चतुर्वेदी साहब आया है कि नहीं आए? मैडम कितना प्राउड करती होगी चतुर्वेदी साहब पे, है भाभी जी? सच बताओ, पहले ज्यादा प्यार करती थी कि अब बढ़ गया है थोड़ा? अरे तुम क्या जानो बाबू डायमंड बनने का मजा, ये तो डायमंड ही जानता है। पहले चतुर्वेदी जी की सेवाएं समाप्त हो जाती, भाई साहब बोलते अब तो बहुत हो गया चलो, पर जोरदार ताली इस बिजनेस की, चमत्कार देखो, नमस्कार देखो, कितना बढ़िया हो रहा है। और लोग बोलते बिजनेस समझ में नहीं आया, तो भाई लातू तेरा करा, हमें क्या दिक्कत है? कितने लोगों को समझ में आया बिजनेस? नहीं आया तो इलाज करा लेना। टिकन सिंह चौधरी स्टूडेंट पैदल आया था, 5 सीरीज BMW में चलता है, लोग मुझे कम गाड़ी को ज्यादा देखते हैं, और जब मैं काला चश्मा लगा के चलाता हूं ना गाड़ी, मां कसम क्या क्या होता होगा तुम सोच के देखो। तुम भी गाड़ी देखते हो, लग्जरी गाड़ी जब जाती है 5 सीरीज, आप गाड़ी चलाते चलाते लोग चलाना भूल जाते हैं एक बार, ये सुनो, ये ऐसे ही है, आप समझदार हैं, बाद बाकी तो क्या बताऊं मैं आपको, है ये ऐसे ही है जैसे एक लड़का लड़की देखने गया, माँ बाप बोले बेटा शादी कर ले, उसने बोला नहीं नहीं करूंगा, उसने बोला कर ले, क्योंकि उसकी पहले से कहीं सेटिंग कर चल रही थी भाई साहब। पर वहां जाके क्या होता है, ऐसे ही है ये, जैसे वो पहुंचता और जाके बोला एक बार देख ले, करना मत करना, और जैसी वो लड़की चाय लेके आती और देखता है तो लड़का, क्योंकि वही वाला आ जाती है जो जिससे वो प्यार करता है, कितनी खुशी होती होगी? हेलो, कितनी खुशी होती होगी? ऐसी दोस्तों जब सपनों की कार सामने से जाती है ना, और जब वो देख लेते हैं, कितनी खुशी होती है? हेलो, हम मशीन है, आदमी है, आदमी है ना, तो आदमी में बस एक ही अंतर है, आदमी फील कर सकता है, मशीन फील नहीं कर सकती है। कितने अंदर